नमस्ते दोस्तों, मैं संजय न्यूटेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गार्डन की अपडेट देने जा रहा हूं, गार्डन ओवरव्यू। तो मेरे गार्डन में खिले हुए फ्लावर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से फ्लावर खिले हैं और क्या कंडीशन है, हमें सर्दियों में प्लांट की कैसे केयर करनी चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये कनेर प्लांट है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे एडेनियम है। और विंटर में काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो डोरमेंसी में गए, कुछ प्लांट डोरमेंसी में नहीं गए। देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं एडेनियम तो आपको वीडियो में दिखाता ही रहता हूँ। मेरे लगभग ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्लांट जो मैच्योर है उन सब में फ्लावरिंग हो रही है। जो मेरे ग्राफ्टेड प्लांट है उनमें भी देखिए, ये हाइब्रिड वाला है तो इनमें भी कलियाँ बनी हुई है। यहाँ पे देसी वाला है जो कटिंग से लगा हुआ प्लांट है तो इनमें भी, एक देखिए आज इसमें बहुत ही प्यारा सा फ्लावर खिला हुआ है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है। यहाँ पे मैरीगोल्ड है, तो मैरीगोल्ड में क्या है कि जब फ्लावर इसके सूख जाए तो इसको तोड़ के आप रख लीजिए, और दो तीन दिन सूखने के बाद इस फ्लावर को गमले में डाल दीजिए ताकि नए प्लांट तैयार हो जाए। देखिए कितने अच्छे से। ये ऑरेंज है, ऑरेंज मैंने काफ़ी सारे तोड़ लिए, और ऑलमोस्ट सभी तोड़ लिए थे, दो तीन रहने दिए थे जो कच्चे थे, अब वो भी पकने लगे हैं। यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड है, पीछे की तरफ है मैक्सिकन पिटोनिया, ये भी एक मदर ऑफ थाउजेंड है, एक वैरायटी, एक ये वैरायटी है। ये अलमंडा बुश है, यहाँ पे हिबिस्कस है, और ये एक्जोरा है जिसको मैंने तीन चार दिन से पानी नहीं दिया था, तो देखिए कैसी हालत हो गई। अभी अभी सब प्लांट में मैंने सुबह सुबह में पानी दिया है। यहाँ पे एक मैक्सिकन पिटोनिया है, ये है देसी विनका, और यहाँ पे हमारी गुलदावरी है जो अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ पिटोनिया है, इनमें भी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। ये गजानिया है, मेरे बोगनवेलिया में भी देखिए अब धीरे धीरे फिर से कलियाँ बनने लगी है। यहाँ पे एक और अडेनियम देखिए, इनमें कलियाँ बनी है, छोटा सा प्लांट है। यहाँ पे मोगरा का प्लांट है, इसको भी रिपोर्ट करना है, टाइम नहीं है। यहाँ पे कटिंग से लगा हुआ अडेनियम है, और इस तरफ सारे मेरे अडेनियम प्लांट है, ग्राफ्ट वाले और देसी वाले सब मिक्स में है। देखिए सब फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये मेरे ग्राफ्टेड वाले हैं जो मैंने खुद ग्राफ्ट किए थे, ये देखिए ग्राफ्टेड वाले, एक बार फ्लावरिंग होके ख़त्म हो गई और दूसरी बार कलियाँ बन रही है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए आप। अब इसकी जो येल्लो पत्तियाँ हो रही है उनको हटाते रहिए ताकि गमले में ना गिरे और फंगस ना लगे। यहाँ पे इंडोर प्लांट रखे हुए, जिसमें स्पाइडर प्लांट है, जिसमें स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट देखिए ये सब स्नेक प्लांट है। इधर इस तरफ मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट है, जो मैं कटिंग लगाता रहता हूँ वो स्पाइडर प्लांट की और सब बाकी प्लांट की। यहाँ देसी वाला जो कलांचोई है उनमें देखिए कलियाँ बनी हुई है, ये बिल्ली ने तोड़ दिया था तो ऐसे ही मुड़ा हुआ पड़ा है, तो नीचे से दो प्लांट और निकल के आए उसकी रूट से, और ये प्लांट यहाँ से थोड़ा मुड़ गया है, मैंने ये लकड़ी लगाई थी पर फिर नीचे गिर गया है। हाँ, मदर ऑफ थाउजेंड के और प्लांट लगे थे। पीछे की तरफ स्पाइडर प्लांट है, और ये स्नेक प्लांट, इनमें भी देखिए बेबी पॉप निकल रहे हैं, और पीछे की तरफ मैंने रखे है अगे वो प्लांट, और ये करी पत्ता है, अब डोरमेंसी में जाएगा ये प्लांट। और यहाँ पे देखिए जो मैंने चूल्हा बनाया था हैंगिंग पुराने बेकार बोतल से, वो देखिए कैसे चल रहा है, तो कुछ इस तरह से मेरे गार्डन चल रहा है, मेरे प्लांट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड, बाय।